नमस्कार प्रिय दर्शकों हाजिर हूं मैं 18 मार्च 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की आज शनिवार है चैत्र मास कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है जो दिन में ग्यारह बजकर के तेरह मिनट तक है और इसके पश्चात द्वादशी है श्रवण नक्षत्र है, शिव योग हुई पंचांग की चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में ग्यारह बजकर के बयालीस मिनट से दोपहर बारह बजकर के तीस मिनट तक का होगा वहीं राहुकाल प्रातः नौ बजे से साढ़े बजे तक जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए प्रिय दर्शकों आज पाप मोचनी एकादशी है आज इस एकादशी के व्रत से सभी प्रकार के पाप कर्म जो हैं वो नष्ट होते हैं और आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है आप जानते हैं इस योग का महत्व तो कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है दिव्य महाप्रयोग में बेहद दिव्य चर्चा होने वाली है दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे लेकिन और साथ ही साथ 23 मार्च दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे लेकिन उससे बात कर लेते हैं गृह स्थितियों राहु और शुक्र युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं मंगल वृषभ में मिथुन में है केतु तु तुला में चंद्रमा मकर में शनि कुंभ में तो वहीं गुरु बुद्ध और सूर्य तीन ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं ये है ग्रह स्थिति गोचर कुंडली में आज चंद्रमा की स्थिति को देखे तो ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में पूरे दिन रहने वाले हैं तो श्रवण नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे शनिवार का दिन और स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण कौन सी वो राशियाँ हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास होने वाला है और कौन सी वो राशियाँ हैं जिन्हें बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है कौन सी वो राशियाँ हैं जिनके लिए किसी भी प्रकार के नए कार्य को प्रारंभ करना आपके लिए बेहद श्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है और कौन सी वो राशियाँ हैं जिन्हें किसी भी प्रकार के नए कार्य को प्रारंभ करने से बचना चाहिए और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे तो ये है ग्रह स्थिति इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं सबसे पहले तो बात कर लेंगे 23 मार्च दिन गुरुवार प्रसूति का स्नान का मुहूर्त मिल रहा है प्रातः सात करके आठ मिनट से प्रातः आठ करके तेरह मिनट तक अक्षरारंभ विद्यारंभ का मुहूर्त मिल रहा है कोई नया व्यापार प्रारंभ करना है आभूषण धारण करना है नौकरी ज्वाइन करनी है बच्चा गोद लेना है आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रातः आठ बज करके छियालीस मिनट से दस बज करके तैतालीस मिनट के बीच मुहूर्त है तो वहीं नया ईंट इत्यादि का निर्माण कराना है तो प्रातः नौ बजे से लेकर के दस बज करके बीस मिनट तक का मुहूर्त है शल्य कर्म कोई ऑपरेशन इत्यादि कराना है तो प्रातः दस बज करके तैंतालीस मिनट से दोपहर बारह बजकर के सत्तावन मिनट के बीच का मुहूर्त है भूमि क्रय विक्रय करने का मुहूर्त वाहन क्रय विक्रय करने का मुहूर्त प्राप्त हो रहा है उपनयन का भी मुहूर्त मिल रहा है प्रातः आठ बज करके छियालीस मिनट से दस बज करके तैंतालीस मिनट तक या दोपहर तीन बज करके पंद्रह मिनट से शाम पाँच बजकर के अट्ठाईस मिनट तक प्रिय दर्शकों हमारी चर्चा चल रही थी लाभेश की लाभेश प्रत्येक भाव में कैसा प्रभाव देंगे इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं इस चर्चा को प्रारंभ करूं उससे पूर्व एक जानकारी आपको दे दूं प्रिय दर्शकों आज से एक नई श्रृंखला रात्रि आठ बजे लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित होने जा रहा हूं यह श्रृंखला है जन्म कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण तो विषय की और वो महत्वपूर्ण विषय है महादशा और महादशा में भी अंतर दशा सभी ग्रहों की दशा में उस ग्रह का अंतर कैसा प्रभाव देता है उसको कैसे देखना होता है इस पर हमारी चर्चा जारी है आज से तो आप ठीक रात्रि आठ बजे अगर आप ज्योतिष में दिलचस्पी रखते हैं तो यह महत्वपूर्ण विषय देखना न भूलें प्रिय दर्शकों लाभेश लाभ मूल्य इस भाव इस भाव के स्वामी के बारे में मैंने सबसे पहला पॉइंट आपको समझाया था कि ये भावपति जहां होंगे उस भाव के मूल्य में वृद्धि कर देंगे चार भावों में इस भावपति के प्रभाव को हमने समझा था आज चर्चा पंचम भाव की है पंचम भाव ये भाव ये किसका है तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन काल में पंचम भाव कुंडली के दृष्टिकोण से देखते देखें तो उस व्यक्ति की संतति का है उस व्यक्ति के ज्ञान का है प्रेम का है उसके पेट का है कुल मिलाकर के देखा जाए तो आराधना का भाव है ये याद रखिएगा आराधना धर्म और साधना एक हो गया आस्था आपकी आस्था किसमें है ये जन्म कुंडली का पंचम भाव बताता है और किसकी आराधना आपको करनी चाहिए ये जन्म कुंडली का पंचम भाव बताता है जन्म कुंडली का जो नवम भाव है धर्म का है अनुष्ठान का है अगर आपकी किसी में किसी देवता में किसी देवी में विशेष रुचि है तो उनकी आप कितनी आराधना करेंगे कैसी आराधना करेंगे नौ भाव बताएगा पंचम किस में आपकी रुचि होगी ये बताता है तो जन्म कुंडली का पंचम भाव बेहद महत्वपूर्ण है अब सीधी सी बात है कि लाभेश जिस भाव में भाव में होंगे उस के मूल्य की वृद्धि करेंगे तो लाभेश पंचम में होंगे तो आपके ज्ञान के मूल्य की वृद्धि करेंगे अर्थात ऐसा जातक बेहद ज्ञानवान होगा संतति उसकी एक से बढ़कर के एक होगी इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि अगर जन्म कुंडली के पंचम में लाभेश हो तो जातक को संतति का सुख प्रेम प्राप्त होता है मित्र का सुख स्त्री का सुख सब कुछ प्राप्त होता है लॉटरी सट्टा इत्यादि से भी ऐसा जातक खूब धन अर्जित करता है ये तो अच्छा ही है कुछ ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है वैसे तो इस भाव में लाभेश के होने से कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ती इसका कोई दूसरा पक्ष दिखाई नहीं पड़ता परंतु ध्यान से देखें तो एक दूसरा पक्ष भी निकल करके आता है और वो ये कहता है कि जातक की महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ जाती हैं सीधी सी बात है ज्ञान के मूल्य की जब वृद्धि होगी तो ज्ञान की एक सबसे बड़ी समस्या है साधना में ज्ञान बाधक है याद रखिएगा यह बात हमेशा ध्यान रखिएगा ज्योतिष अध्यात्म है और मैं जब भी ज्योतिष की चर्चा करता हूं तो आध्यात्म से जुड़े बिना आपको नहीं रख सकता तो साधना में ज्ञान जो है वो सहयोगी नहीं है हमेशा बाधक है यह बात हमेशा ध्यान रखिए पंचम भाव आप किस देवता की साधना करेंगे तो ठीक परंतु वहां लाभेश के हो जाने से उस भाव के मूल्य की वृद्धि करा करके आकांक्षा इतनी बढ़ा देता है कि जा तक अपने साध्य पर भी कई बार प्रश्न चिन्ह खड़ा तो किए मैं इनकी साधना कर रहा हूं जितना कर रहा हूं उससे ही मिल पाएगा कि नहीं या इन्हीं की साधना से मिल पाएगा कि नहीं तो यह महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा देता है और कभी भी आकांक्षा को समाप्त ही नहीं होने देता ये भौतिक दृष्टिकोण से तो ठीक हो सकता है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ठीक नहीं है लाभेश यदि स्व में हो तो परेशानी आती है उधार दिया हुआ पैसा वापस नहीं आता जातक ऋणी बना रहता है जातक के मित्र उसे सदैव धोखा देते हैं बीमारी में धन खर्च होता रहता है अब सवाल खड़ा होता है ये तो सब बुरा ही हुआ आपने कहा था मूल्य वृद्धि हो जाती है इस भाव की तो ये तो मूल्य वृद्धि नहीं हुई मूल्य का ह्रास हुआ जातक ऋणी हो रहा है परेशानी हो रहा है उसमें परेशानी में पड़ रहा है तो यह मूल्य वृद्धि कैसे हुई अब मूल्य वृद्धि समझा तो दू लेकिन शायद ये समझ में ना आए ऐसे लोगों को रोग भी जो होता है वो रज रोग होता है अच्छे अच्छे रोग याद रखिएगा गरीबों का रोग भी गरीबों वाला और अमीरों का रोग भी अमीरों वाला होता है रोग भी अमीर और गरीब वाले होते हैं कमाल की बात है विश्वास मानिए कि ये हो सकता है कई बार लोग पता नहीं कितना समझते हैं इस बात को लेकिन अमीरों का रोग अलग और गरीबों का रोग भी अलग अलग है इस भाव में लाभेश के होने से इस भाव की विशिष्टता बढ़ जाती है और जातक के जो शत्रु होते हैं वो विशिष्ट कोटि के होते हैं एक बड़ा कमाल का विषय है कि विशिष्ट कोटि के शत्रु कैसे हो सकते हैं आपने क्या नहीं सुना कि मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु अच्छा तो ये वैसे ही बुद्धिमान शत्रु होते हैं मूर्ख मित्र वाली बात कहानी आपने सुनी है ना ये कहावत तो सुनी होगी आपने कि मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु अच्छा तो लाभेश अगर षष्ठ में हो तो ऐसे जातकों के शत्रु भी बड़े उच्च कोटि के होते हैं सामान्य कोटि के नहीं विशिष्ट शब्द का मैंने इस्तेमाल किया यानी जि जाहिर सी बात है समाज में उनका पद और कद होगा ऐसे लोगों से ही जातक की शत्रुता होती है हालांकि ऐसा जातक भी बेहद चतुर होता है इसके दूसरे पक्ष में ही जा रहा है कि चतुर होता है इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती लाभेश सप्तम में हो तो ये बहुत बढ़िया है विवाह उपरांत जातक को विशेष धन की प्राप्ति होती है जातक की जीवन संगिनी भी या जीवन साथी भी कमाने वाला बहुत अच्छा होता है सो उसके सहयोग से व्यापार नौकरी इत्यादि में सफलता उसको मिलती धन लाभ होता है जातक की पत्नी तेजस्वी दीर्घजीवी होती है तो ये सब कुछ अच्छा है ये देखिए इस भाव पर विचार करने के बाद भी कोई बहुत बुरा पक्ष तो दिखाई नहीं पड़ रहा इसका दूसरा कोई पहलू नहीं दिखाई पड़ रहा मूल्य वृद्धि की चर्चा करें तो वो तो हो ही रहा है जा तक की पत्नी का मूल्य बढ़ रहा है आयु बढ़ रही है सब कुछ तरफ से उसका बढ़ रहा है तो ये तो अच्छा दिखाई पड़ रहा है एक मामूली कमी दिखाई पड़ रही है और वो ये कि जा तक केवल और केवल अपनी पत्नी की कही बात में या विशेष करके पुरुषों के लिए ही है ये कि स्त्री की कही बात में ही सदैव आ जाता है और सामान्य शब्दों में इसको समाज में लोग किस तरह से देखते हो तो आप जानते हैं बस इतना ही इस भाव में कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है लाभेश यदि अष्टम में हो तो आकस्मिक धन लाभ कराने वाले होते हैं जातक लॉटरी सट्टा रेस जुआ इत्यादि से धन खूब प्राप्त करता है ऐसे जातक के जीवन काल में धान्य की कोई कमी नहीं रहती है परंतु इसका एक दूसरा पक्ष है ऐसे जातकों के जीवन काल में संगति मित्रता कुछ ऐसे लोगों के साथ हो जाती है जो जिसके चलते गलत खान पान इत्यादि का वो आदि हो जाता है तो मूल्य वृद्धि तो इस भाव से हुई कि वो धन धान खूब कमाया आकस्मिक रूप से खूब कमाया लेकिन गलत संगति गलत आदत गलत खान पान के चलते वो आयु को कम कर लेता है ये एक कमी निकल करके आती है प्रिय दर्शकों चर्चा आप समझ ही रहे हैं हमारी चर्चा चल रही ऐसी कि हम दोनों ही पक्षों को देखने का प्रयत्न कर रहे हैं आने वाले दिनों में ये चर्चा जारी रहेगी बाकी के जो भाव बचे उनको लेकर के चलिए चलते हैं राशिफल की ओर बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में है आज परोपकार करिए दूसरों का हित करिए दूसरों की मदद करिए औरों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़िए ये आपके लिए अच्छा होगा इससे आपके करियर में मजबूती आएगी जमीन जायदाद से संबंधित जितने भी जरूरी काम थे वो सभी कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं इस मामले में दिन आपके लिए अच्छा है कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं इस मामले में दिन आपके लिए लाभप्रद बना हुआ है बातचीत से कोई उलझन है कोई परेशानी है कोई समस्या है तो उसका समाधान निकल आएगा नौकरी पैसा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूँगा कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था कहीं पैसा आपका रुका हुआ था उसके प्राप्त होने का योग बन रहा है तो वहीं बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था तो आपके प्रयत्नों से आपको प्राप्त होने वाला एक मूल मंत्र याद रखिएगा आज का काम आप कल पर मट डालिए जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना है तो जरा बोलने से पहले सोच समझ कर ही बोलिए वाणी पर संयम रखिए भावुकता में आकर के भी भावनाओं में बहकर के भी कुछ ऐसी बात आज आप अपने मुंह से निकाल सकते हैं जिससे दाम्पत्य जीवन में अनबन की स्थिति बने विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी किसी भी तरह के तनाव इत्यादि से ग्रसित है तो आपको मुक्ति मिलने वाली है कुल मिलाकर के विद्यार्थियों के लिए दिन तो ठीक है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सावधान रहना होगा स्वास्थ्य में परेशानी है थकान और नींद की कमी से भी आज आपको परेशानी होने वाली है सभी मेष राशि के जातक आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के तिल तिल का दिया जलाएं लकी अंक एक लकी कलर आपके आज ब्राउन है बात यदि वृषभ की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज नवम में होना ये निसंदेह आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कराने वाला है भाग्य का साथ मिलेगा परंतु मन बहुत सक्रिय रहेगा मन की इस का आप ऐसे महसूस भी कर सकते हैं कि जो आप चाहें वो हो जाए लेकिन यहाँ पर थोड़ी गलती हो सकती है वैसे तो प्रगति के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है परंतु अत्यधिक कमाने के लोभ में आकर के कोई गलत कार्य मत करिएगा जिस कार्य में बार बार रुकावट आ रही हो उस कार्य को आज पूरा करने की जिद्द की जगह उसको छोड़ दीजिएगा व्यापारियों के लिए भी यही मैं सलाह देता हूं यदि कोई परेशानी अड़चन आ रही है तो आप शांति से इस दिन को बीतने दें वैसे मैं बता दूं कि आर्थिक पक्ष मुझे ठीक ही आपका दिखाई पड़ रहा है अगर नौकरी पेशा है और कार्यस्थल पर हैं तो आज साथ के किसी व्यक्ति के साथ अनबन या मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती मतभेद हो सकता है जो कि आगे परेशानी का कारण बने जीवन साथी के साथ तालमेल अच्छा बैठा रहने वाला है घर का माहौल तो ठीक ही दिखाई पड़ रहा है प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं तो ये भी कर सकते हैं और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन ठीक है या यूँ कहें कि मिला जुला तो है ही है बहुत खराब तो नहीं कहा जाएगा सफलता में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है बस मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा लकी अंक एक लकी कलर आप लिया सफेद है सभी वृषभ राशि के जातक आज प्रातः काल कबूतरों को दाना डालें मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके मन को अशांत रखने वाली है चिंता रहेगी किसी पुरानी बात को लेकर के चिंता परेशानी रहने वाली है माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी आज आप चिंतित हो सकते हैं अगर आप डिप्रेशन के रोगी हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा मानसिक अशांति और बढ़ेगी किसी मित्र से धोखा मिल सकता है बने कार्य अंत में जाकर के बिगड़ जाए ऐसी एकाएक सूचना मिल सकती है नौकरी पेशा है तो कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों के सहयोग न मिलने से भी काम अधूरे होंगे व्यापारियों को भी बड़ा सचेत रहना है कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां हैं लाभ की लाभ में कमी रहने वाली है झूठ बोलने से आपको बचना होगा जो लोग अविवाहित हैं उन्हें भी प्रेम के क्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके लिए भी दिन उतार चढ़ाव भरा है और दांपत्य जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ भी छोटी मोटी परेशानी है जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत के अनुकूल सफलता न मिलने से आज थोड़े उदास होंगे और स्वास्थ्य में पुराना रोग आज आपको परेशान कर रहा है सो सावधान रहिए आज सभी मिथुन राशि के जातक प्रातः काल ही कुत्ते को कुछ मीठी चीज खाने के लिए दीजिए जो भी हो मीठा लकी अंक एक लकी कलर आपके लिए आज पीला है बात कर्क की करें तो कर्क राशि के जातकों के लिए दिन ठीक है कार्य क्षेत्र में है तो दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है कोई बड़ा निर्णय लेने की सोच रहे हैं तो ले सकते हैं निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद साबित होने वाला है कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो उठा सकते हैं इस मामले में दिन अनुकूल है और कार्यस्थल पर देखें तो काम थोड़ा ज्यादा रहेगा लेकिन आपके काम सारे बनते दिखाई पड़ रहे हैं कोई बड़ी खरीदारी इत्यादि करने की सोच रहे हैं जैसे वाहन इत्यादि तो ये भी खरीद सकते हैं जीवन साथी का साथ मिलेगा व्यापारियों की बात करूँ तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन धन लाभ कराने वाला है व्यापार से संबंधित नए अवसर आपको मिलने वाले हैं योजना बना करके काम करिए सब कुछ ठीक रहेगा आमदनी में वृद्धि की स्थिति है पैसों के मामले में थोड़ी चिंता रहेगी परंतु किसी भी प्रकार के विवाद से आज अपने आप को दूर रखना है और मन की बात हर किसी से शेयर नहीं करनी है दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ भी सब कुछ ठीक ही है तो कुल मिलाकर के देखें तो कर्क राशि के जातकों के लिए दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी लेकिन हर तरह के दृष्टिकोण से हर शिक्षा के दृष्टिकोण से दिन सफलता प्रदायक है और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी तो दिखाई नहीं पड़ रही है लकी अंक दो लकी कलर आपके लिए आज कत्थई सभी कर्क राशि के जातक आज केशर का तिलक लगाए अपने माथे पर सुम के जातकों की बात करूं तो आपके लिए भी दिन ठीक है मानसिक अशांति रहेगी परंतु चिंता की कोई आवश्यकता नहीं कोई बड़ा परिवर्तन बस मत करिएगा काम आप अपने सारे सारे अपने काम करिए ऋण को लेकर के अगर प्रयत्नशील थे और चाह रहे थे कि कहीं और से पैसा मिल जाए ताकि ऋण से राहत मिले तो प्रयास करिए आज पैसा मिल सकता है कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेदारियों से भागिएगा मत गोचर कुंडली की स्थिति आपको मानसिक रूप से अशांत तो करेगी लेकिन अगर आप प्रयत्न करते हैं तो आपको सफलता भी मिलेगी कार्यक्षेत्र में आज मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी है और आपको अपनी मेहनत से भागना नहीं है व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा बल्कि यूं समझ लीजिए कि अपने प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा आप अच्छा कार्य करने वाले हैं अनचाहा खर्च भी परेशान करेगा तो सचेत रहिए किसी को धन उधार मत दीजिए और लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो ठीक है दिन संबंध में मधुरता रहेगी बस इतना ध्यान रखिए कि आपकी कोई बात प्रेमी को बुरी न लगे विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी सहयोग मिलेगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग से आप पीड़ित हो सकते हैं सावधान रहिए बजरंग बाण का पाठ या श्रवण करिएगा तीन पाठ करिएगा लकी अंक तीन लकी कलर आपके लिए सफेद है कन्या के जातकों के लिए भी दिन को मैं अच्छा कहूंगा मन एकाग्रचित करके आप अपने कार्य में लगी अचानक फायदा होगा कोई कार्य रुका हुआ था वो पूरा होगा कहीं किसी के पास पैसा फंसा हुआ था वो वापस आ सकता है संतान पक्ष से यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी यूं समझ लीजिए संतान पक्ष से कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है आपकी योजनाएं पूर्णतः सफल होती दिखाई पड़ रही हैं आलस्य में पड़ने से आपको बचना चाहिए सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए दूसरों की बातों में आने से भी आप बचिए वैसे कार्यस्थल पर आपका दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापारी वर्ग के लिए भी दिन धन लाभ प्रदान कराने वाला है नए व्यापार की अगर रूपरेखा आपने बना रखी है तो उस पर कदम आपको आगे बढ़ाना चाहिए परंतु बिना सोचे समझे बोलने से आपको बचना चाहिए अन्यथा विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी प्रेम संबंध में भी वैचारिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी हालांकि बाद में सब कुछ संभल जाएगा अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा विद्यार्थियों की बात करूँ तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी है लेकिन सफलता मिलेगी विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है आलस्य से बचें विद्यार्थी वर्ग और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और मानसिक अशांति नींद की कमी थोड़ी महसूस होगी वैसे स्वास्थ्य कोई बहुत खराब नहीं है लाल पुष्प की माला हनुमान जी को अर्पित करिए लकी अंक एक लकी कलर आपकी आज सफेद है तुला के जातकों के लिए भी दिन ठीक है माता के स्वास्थ्य को लेकर के यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं कर सकते हैं दिन सुखद है मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए और जितना हो सके अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए एक काम पूरा हो तभी दूसरे काम में हाथ डालिए परिवार के सदस्यों से राय मशवरा करके ही कोई बड़ा कदम उठाइए दिन खुशनुमा बीतेगा किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत जल्दबाजी मत करिए और सबसे ज़्यादा जरूरी है कि परिवार के सदस्यों की सलाह अवश्य लीजिए नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं सामान्यतया ठीक ही कहूँगा और व्यापारियों की बात करूँ तो व्यापारी वर्ग के लिए भी आज का दिन शुभ है ऐसे से संबंधित कोई बड़ा निवेश करना है तो कर सकते हैं इस मामले में आपका दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है दोस्त संतति या परिवार के अन्य जो भी सदस्य हैं उनकी कही बात को जितना हो सके मानने का प्रयत्न करिए इससे आपको फायदा मिलेगा उनकी कही बात पर विचार अवश्य करिए और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है प्रेमी के साथ किसी बात को लेकर के अनबन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है तो इस मामले में जरा सचेत रहिए विद्यार्थियों की बात करूँ तो मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए और जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें आज सभी तुला राशि के जातक हनुमान जी के मंदिर में जाएँ वहीं पर हनुमान चालीसा का तीन पाठ करें लकी अंक पाँच और लकी कलर हल्का हरा है वृश्चिक के जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आपके सभी काम आसानी से या यूँ समझ लीजिए कि एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं हर क्षेत्र में सफलता मिलनी तय है कार्यस्थल पर देखें तो जो भी आपके सहयोगी हैं जो आपके समर्थक हैं उनका पूरा पूरा सहयोग उनका पूरा समर्थन आपको मिलने वाला है कोई बड़ी जिम्मेदारी आपके आपके हाथ लगने वाली यानी कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है जबरदस्त लाभ कराने वाला है पूरे दिन विपरीत से भी आपको समर्थन प्राप्त होता रहेगा सहयोग हर क्षण आपको मिलने वाला है यात्रा की स्थिति है यात्रा करिए यात्रा आप लाभप्रद रहने वाली है व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा और आर्थिक दृष्टिकोण से कहीं कोई कमी दिखाई नहीं पड़ रही है आर्थिक रूप से आप पूरी तरह से मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं परंतु अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए इस मामले में तो आपको जरूर सावधान रहना होगा प्रेम संबंध में मामूली मतभेद की स्थिति है या यूं कहें कि कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति है वैसे प्रेम संबंध में कोई परेशानी नहीं है और विद्यार्थियों की बात करूं तो अधिक मेहनत करनी होगी लेकिन सफलता हर क्षेत्र में है आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं सफलता आपको मिलेगी स्वास्थ्य में कोई पुराना रोग है किसी चीज़ से एलर्जी है तो आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा इसको लेकर के थोड़ी परेशानी हो सकती है बाकी अगर देखा जाए तो इसे कोई दिक्कत नहीं है आप शिव मंदिर में जाकर क्या शिव जी का दर्शन करिएगा शिवलिंग पर अर्पित करिएगा पांच सात या ग्यारह लकी अंक एक लकी कलर आपके आज मैरून है और बात यदि धनु की करें तो धनु के जातकों के लिए भी दिन बढ़िया है कोई पहल करने की सोच रहे हैं कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं दिन अच्छा है आपको सफलता मिलेगी कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं एक बार विचार करिए योजना बनाइए कदम उठाइए आज अपने दिल की करिए इसमें कहीं कोई दो मत नहीं परंतु अपने शुभ चिंतकों की राय भी अवश्य मानिए अगर किसी बात को लेकर के आप परेशान थे कोई समस्या थी तो उससे मुक्ति मिलेगी एकाग्र होकर के आप अपने काम करते चले जाइए सफलता मिलेगी नया वाहन खरीदने का मन बना रहे योजना बना रहे खरीद सकते हैं नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बेहद अनुकूल कहूँगा व्यापारियों को व्यापार में फायदा होने वाला है तो वहीं शेयर मार्केट इत्यादि से संबंधित काम करते हैं या कहीं कमीशन से जुड़ा काम करते हैं तो आने वाले दिनों में आपको विशेष लाभ होने वाला है तैयार रहें बिना सोचे समझे हर जगह पर अपने मन की बात कह देना यह ठीक नहीं है वाणी पर जरा संयम रखिए दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है तो वहीं प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं थोड़ी आलस्य की स्थिति हो सकती है आज सुंदर कांड का पाठ या श्रवण करिए हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति के सम्मुख लकी अंक तीन लकी कलर आपके आज पिंक है बात मकर की करें तो मकर के जातकों को भी आज लाभ मिलने वाला है मन को शांत रखिए सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे समझ लीजिए कि किस्मत का साथ आपको मिलेगा और हर कार्य समय से पहले ही पूरा होने का योग बन रहा है सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार के सदस्यों का आपको सहयोग मिलेगा नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा या यूं समझ लीजिए कि समय आपके लिए अनुकूल है पदोन्नति और धन लाभ के योग बन रहे हैं पुराने दोस्तों से मुलाकात इत्यादि करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है तो वहीं व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को शुभ फलदायक कहा जाएगा। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो पूरी तरह से जानकारी ले लें ले और तब निवेश करें बहस और विवाद से जितना हो सके दूरी बना कर करके रखें प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को ठीक ठाक कहा जाएगा जीवन साथी से अपने मन की बात आप शेयर कर सकते हैं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कमर दर्द की शिकायत हो सकती है तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए आदित्य हृदय का पाठ या श्रवण करिए लकी अंक आठ लकी कलर पीला है और बात यदि कुंभ की करें तो कुंभ के जातकों को जरा सावधान रहना होगा ओवर कॉन्फिडेंस में पड़ने के चलते आपका काम बिगड़ सकता है कार्यस्थल पर जिद करने से बचिए जरूरी नहीं है कि हर कोई आपकी बात को माने तो विशेष करके नौकरी पेशा लोग आज किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा न बने जो आपके अधीनस्थ हैं उनका सहयोग करें दोहरा देता हूं एक बात कि आज किसी भी बात पर आक्रामक मत होइए क्रोध मत पड़िए नहीं तो आपको केवल नुकसान होगा खर्च में वृद्धि के योग बन रहे हैं यात्रा आपके लिए शुभ फलदायक नहीं है मानसिक अशांति और परेशानी दिखाई पड़ रही है यानी कुल मिलाकर के आज का दिन कुछ बहुत अच्छा नहीं दिख रहा व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा कोई बड़ा निवेश इत्यादि नहीं करना है किसी को धन उधार नहीं देना जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं तो जरूर जाइए जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना है और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों को भी आगे बढ़ने में बाधा उत्पन्न होगी दिन बहुत अच्छा तो आपके लिए भी दिखाई नहीं पड़ रहा स्वास्थ्य में परेशानी है चोट चपेट की घटना दिखाई पड़ रही है खान पान पर आपको नियंत्रण रखना होगा आंखों का आपने विशेष रूप से ख्याल रखिएगा और गणेश जी को दूरबा अर्पित करिएगा लकी अंक चार लकी कलर हल्का हरा है और बात यदि मीन की करें तो गोचर कुंडली की स्थिति पूरी तरह से आपके पक्ष में है दिन बहुत बढ़िया है भाग्य यूं समझ लीजिए आपके साथ इस भाग्य का पूरा फायदा उठाइए एक बार जो आपने ठान लिया उसे पूरा करने का प्रयत्न करिए दिन आपके पक्ष में है भाग्य आपके साथ है सो योजना बना करके काम करते चले जाइए सफलता आपको मिलेगी दोस्तों का सहयोग मिलेगा कोई विशेष कार्य जो बहुत दिनों से आपका नहीं बन पा रहा था वो बनता दिखाई पड़ रहा है उसमें सफलता मिलेगी नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा तो वहीं व्यापारी वर्ग के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा धन लाभदायक यानी कुल मिलाकर के हर दृष्टिकोण से देखें तो आज का दिन मीन राशि के जातकों के लिए अच्छा है कहीं कोई बड़ा निवेश या कहीं पैसा लगाना है तो उसके लिए भी दिन बढ़िया है बाहर के खाने से बचिए प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर दीजिए दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से आपका सुखद है और विशेष करके आई फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य से कहीं ज्यादा अच्छा है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें कहीं कोई विशेष परेशानी स्वास्थ्य में भी दिखाई नहीं पड़ रही है तो कुल मिलाकर के दिन हर तरह से अच्छा है आज इत्र का प्रयोग करिएगा स्वयं पर और लकी अंक आपके लिए आज तीन लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है तो प्रिय दर्शकों ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल अभी के लिए बस इतना ही इजाजत दीजिए पुनः मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार